दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति के शव मिलने के मामले में पुलिस ने आत्महत्या का शक जाहिर किया है। पुलिस को मृत महिला के हाथ बंधे हुए मिले, जबकि उसके पास ही उसके पति का शव मिला। पुलिस के मुताबिक इस बुजुर्ग दंपति का एक बेटा अमेरिका में रहता है, जबकि दूसरे बेटे की पिछले साल मौत हो गई। एआईएमआईएम नेता अजदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के खिलाफ विवादित बयान देते हुए निशाना साधा है। महाराष्ट्र के ठाणे में भारिप बहुजन महासंघ के साथ एक रैली में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जो उनको वोट काटने वाला कहेगा वो उसको काट देंगे। ओवैसी ने देश में मुसलमानों की हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना। मुझ पर इल्जाम ये लगाते हैं कि ओवैसी जहां पर जाता वोट काटता है। मैं वोट नहीं काटता, मैं तुम्हारे को काटने आया हूं। अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो पुरानी पापी कांग्रेस जिसने हमारे नस्लों को बर्बाद कर दिया, अगर वो तुमसे इंसाफ करेगी तो नहीं होगा। याद रखो, भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, कितने दलितों को दिया गया, कितने आदिवासियों को दिया गया, कितने मुसलमानों को दिया गया। गुजरात में 1000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में 1008 लोगों ने 108 सूर्य नमस्कार किए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सर्दी खांसी की शिकायत की वजह से शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। यूपी के गाजीपुर जिले में सड़क किनारे खड़े ट्रक में भीषण आग लगने पर हड़कंप मच गया। गोवा के पणजी में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पर्रिकर ने न्यू मांडोवी ब्रिज का उद्घाटन किया। मौसम विभाग ने 30 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। मुंबई में सांताक्रूज एयरपोर्ट के पास एक टैक्सी में भीषण आग लगने पर अफरा तफरी मच गई। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के रिसेप्शन में राजनीतिक, खेल, उद्योग और फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियां एक छत के नीचे नजर आई। अमित ठाकरे ने फैशन डिजाइनर मिताली बोरोडे के साथ साथ फेरे लिए, जिसके बाद मुंबई के एक होटल में अमित और मिताली का रिसेप्शन रखा गया, जिसमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित जैसे कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी नए जोड़े को शादी की मुबारकबाद देने पहुंचे। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि भी इस खास मौके का हिस्सा बने। इससे पहले शादी के मौके पर उद्धव ठाकरे और उनका पूरा परिवार मौजूद रहा, साथ ही कई राजनीतिक हस्तियां भी शादी में शामिल हुईं।